अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा, गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो, अवतरित हुई माँ गायत्री। जब जब होता है धर्म नष्ट, बदली अधर्म की छाती है, जब जब होता है धर्म नष्ट, बदली अधर्म की छाती है, जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है, जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है, तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी इस भू पर आते हैं, तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी इस भू पर आते हैं, पृथ्वी को देते अभय मार्ग पर चलने की मन में आ
मन की संकल्प शक्ति मानव को क्या से क्या कर देती है। मन की संकल्प शक्ति मानव को क्या से क्या कर देती है। निष्क्रिय शरीर में गति मन में नवचेतनता भर देती है। निष्क्रिय शरीर चेतनता भर देती है। व्रत लो युग के आवाहन पर तत्काल दौड़ते जाएंगे। व्रत लो युग के आवाहन पर तत्काल दौड़ते जाएंगे। युग धर्म निभाकर नव युग के अभिनव शिल्पी कहलाए। कर सकते हो मनु संतानों, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ शक्ति बनी। निश्चय जानो आ गया समय युग बदलेगा, गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैत्र नवरात्रि कि इस पावन वेला में आज हम आपसे दूसरे दिन बात करेंगे। संत और असंत का स्वभाव बालकांड में क्या वर्णन आया है, कल भी हमने इसके बारे में बात कही थी और आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फिर आने वाले कल में अयोध्या कांड के बारे में बात करेंगे। ये जो राम कथा है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो लिखते हैं अपने 31वें दोहे में, ये है बालकांड। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारु, तुलसी सुभक स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। जहाँ सीता और रघुवीर श्री रामचंद्र जी विहार करते हैं, ऐसी राम कथा मंदाकिनी नदी है। सुंदर निर्मल बिना जो चित्त है वो चित्रकूट है, सुंदर स्नेही वन है। कितना सुंदर वर्णन है कि चित्रकूट हमारा चित्त है, ये और इसमें ही रामकथा हो रही पूरी की पूरी। जिस समय ये उतर जाएगी आपके मन में और आपके चित्त में, तो आप मान करके चलिए कि आपके अंदर भगवान राम की चेतना निवास करने लगेगी। बहुत सुंदर है। मैं अपने आज के वर्णन पे आता हूँ। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, गोस्वामी जिस समय ये बात कह रहे हैं और हम आपको चर्चा कर रहे हैं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन आपके सामने रख रहा हूँ। ये कल यहाँ हम लोगों ने बैसाखी मनाई,
आज हमने यहाँ जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती मनाई, जिन्होंने कि हमारा संविधान रचा था। और ऐसे ही एक एक दिन इतना महत्वपूर्ण है, नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बैसाखी से लेके और रामनवमी तक का समय है, प्रत्येक दिन एक न एक पर्व है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो शुरुआत होती है, वहाँ से शुरुआत से ही अगर आप देखें तो इसमें पंजाब के लोगों का बैसाखी पर्व, मुस्लिम लोगों का रमज़ान पर्व, उसकी भी शुरुआत हुई है इसमें। और हम लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती की, दुर्गा की कथा, उमा के रूप में माता पार्वती की कथा, माता पार्वती के रूप में माता सीता की कथा, ये इस तरह से कितना सुंदर वर्णन है कि उसमें सब चीज़ें आके मिल गई। ये हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन बता रहे हैं। संत और असंत इसका वर्णन है, इनका स्वभाव कि कैसे स्वभाव के होते हैं। बंदों संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलन एक दुख दारुण लेहि देहि। अंतर यह है दोनों में, संतों और असंतों में, कि संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। जब असंत मिल जाए आपको तो आप समझ लीजिए कि आपके दुखों की प्रक्रिया चालू हो गई, मरने के समय दुखद होता है। संत और असंत दोनों ही संसार को दुख देते हैं, लेकिन उनके दुख देने में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। संत व्यक्तियों से बिछुड़ना, अलग होना मृत्यु के समान दुखदायी है, जबकि असंत व्यक्तियों से मिलना मरने के समान दुखदायी है। इस तरह मरने में जीवात्मा को बहुत कष्ट अनुभव होता है, बहुत दुख होता है, उसी तरह से मरण के समान दुख तब भी होता है जब कोई संत व्यक्ति हमसे बड़ी आत्मीयता के साथ मिलकर फिर बिछुड़ता है। हम किसी संत व्यक्ति से मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं दोनों, तो वो दुखद प्रकरण होता है। संत व्यक्ति को मिलना ही तब होता है जब हमारे पुण्यों का उदय होता है, यानी हमारे शुभ कर्मों का फल हमें मिलता है। ये आप मान करके चलिएगा, जब आपके जीवन में अच्छे पुण्य कर्म उदय हो जाएं तो अब आपको संत व्यक्ति मिलेंगे, और जब आपके अंदर बुरे कर्मों का फल उदय हो रहा है तो आपको बुरे व्यक्ति मिलेंगे। संतों का मिलन हमारे जीवात्मा का कल्याण करता है, लेकिन ऐसे संत व्यक्ति हमारे जीवन से विदा होते हैं तो कष्ट मृत्यु के कष्ट के समान होता है। जब किसी दुष्ट व्यक्ति से मिलना होता है तो ऐसा तभी होता है जब हमारे पाप कर्मों का उदय होता है। दुष्ट व्यक्तियों का संपर्क सानिध्य और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है, हमें अपने मूल उद्देश्य से हटा देता है, उन्हें उनका कुसंग कुमार्ग पर ले जाता है। जो असंत व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति, वो हमें कुमार्ग पर ले जाते हैं, और इससे हमारी जीवात्मा की अधोगति होती है, हमारा सब तरह से नुकसान होता है। आप तो कहेंगे साहब हम तो असंत व्यक्ति को भी सुधारेंगे, हम सुधरेंगे, एक सुधरेगा, हम बदलेंगे, एक बदलेंगे, तो हम हर व्यक्ति को बदल कर रहेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पहले आप अपनी पर्सनालिटी का लेवल ऊंचा उठाइए, अपना चरित्र इतना ऊंचा उठाइए कि आपके संपर्क में आकर वो अपने आप बदल जाए, बजाय इसके कि आप उसको बदलें वो अपने आप बदलता चला जाए। हमें कष्ट और पीड़ा का अनुभव भी होता है, इसलिए सब गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों का मिलना मरण के समान कष्टकारी होता है। उपजई एक संग जग माही, गोस्वामी जी कह रहे हैं दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। जलज ज्योंक जिमि गुण बिलगाही, संत और असंत प्रकृति के व्यक्ति दोनों ही संसार में पैदा होते हैं। इस संसार में दोनों तरह के नेचर हैं, जैसे दिन है और रात है, जैसे अनीति है और नीति है, इसी तरह से कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, जलज, जलज यानी कमल, जोंक यानी लीच, लीच वो गुण, जोंक जो चिपक जाती है तो खून चूस लेती है, वो इस तरह से कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, सुगंध से सुवासित होता है, वहीं जोंक जो होती है शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। आपने देखा हो कभी, आपको कभी तकलीफ हुई है, दर्द हुआ हो तो पता चलता है कि जोंक चिपक गई है, आप निकालिए नहीं तो तुरंत आपका ब्लड चूस लेगी, वो उस स्थान पर एक घाव हो जाएगा। ऐसे संत और असंत व्यक्ति का व्यवहार होता है।
कमल व जोंक दोनों ही संसार में जल के संपर्क से पैदा होते हैं। वैसे ही संत व असंत दोनों तरह के व्यक्ति संसार में समान रूप से पैदा होते हैं। उनके पैदा होने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव में फर्क है। संत व्यक्ति कमल के समान पवित्र, सुकून देने वाले, कोमल व सरल प्रकृति से युक्त, दर्शन व स्पर्श में सुख देने वाले व अपने सद्गुणों की सुगंध से सुवासित होते हैं। वहीं असंत व्यक्ति जोंक के समान अपवित्र, कष्ट व बेचैनी देने वाले। आप कभी जोंक देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों मैं जोंक के बारे में ऐसा वर्णन कर रहा हूँ। शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है, वो जो स्टार्ट सकिंग द ब्लड, और जब ब्लड सक करती है तो उस स्थान पर घाव सा हो जाता है, नुकसान व पीड़ा पहुँचाने वाले होते हैं। संत व्यक्ति अमृत के समान इस मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं। अब ये अगला दोहा है कि संत व्यक्ति कौन होते हैं। जैसे मैंने एक आपको चौपाई कही, उसका भावार्थ बताया, उसी तरह से दूसरी चौपाई बताने वाला हूँ। संत व्यक्ति अमृत के समान इस मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं, जबकि असंत व्यक्ति मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। यद्यपि उन दोनों को उत्पन्न करने वाला यह अगाध समुद्र रूपी जगत एक ही है। इस तरह समुद्र से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई थी। आपको मालूम होगा अमृत जब समुद्र मंथन हुआ था तो दोनों चीज़ निकली थी। पहले हलाहल निकला, पहले विष निकला, फिर अमृत निकला लास्ट में। उसी तरह संसार में संत और असंत दोनों तरह की प्रकृति के व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, लेकिन लोगों का दोनों का गुण स्वभाव प्रभाव अलग अलग होता है। संत व्यक्ति अमृत के समान लाभकारी व जीवन प्रदाता होते हैं, इसी कारण वे इस मृत्यु रूपी संसार से मनुष्य को उबार लेते हैं। जबकि असंत व्यक्ति मदिरा के समान मदहोश करने वाले, भ्रमित करने वाले, कन्फ्यूज कर देने वाले और हमारे जीवन लीला को समाप्त करने वाले होते हैं, और ये मनुष्य में मोह, प्रमाद व जड़ता उत्पन्न करते हैं। भल अनभल निज निज करतूती लहत सुजस, बड़ी अच्छी उपमा ही यूज़ की है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बड़े अच्छे जो रूपक है बहुत सुंदर है, तुलना है इसकी, तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। बहुत विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और विद्वान होने के साथ साथ उनका चिंतन जो था वो बहुत ही मानवीय जो जीवन है उससे जुड़ा हुआ था। वो लोग रोजमर्रा के जीवन में इन सब चीज़ों को देखते थे, तो इसका समावेश उन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया है रामचरितमानस में। रामचरित को जो मन में रख कर लिखे वो रामचरितमानस। रामचरितमानस कर राखा, वो कहते हैं रामचरित को मैंने मानस में रख करके लिखा है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। इसलिए आप मान करके चलिएगा रामचरितमानस जो है बहुत सुंदर, स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये लोग इसको अपने पूजा स्थली में रखते हैं केवल इसलिए कि इसमें एक एक चीज़ का समाधान है, दुनिया की एक एक परेशानियों का समाधान है, रोजमर्रा के जीवन की कुरीतियों का और आपके जीवन में आने वाले आपत्तियों का सबका समाधान है। भल अनुभल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, ये एक एक चीज में अलंकार है। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जय भाव नीक तेह सोई। इसका जैसा भाव होता है वो वैसे ले लेता है उसको। मैं अर्थ बता देता हूँ। इस संसार में भल अनबल यानी भले और बुरे कर्म स्वभाव के अनुसार निज निज करतूत सबकी अपनी सभी तत्व अपनी सुंदर यश व अपयश की संपत्ति को पाते हैं। कैसे वो बताते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति अमृत सुधा सुधाकर, अमृत चंद्रमा सुधा अमृत है, सुधाकर चंद्रमा है, गंगा जी सुरसरी है, और साधु वो लोग हैं जो इस भारत इस भूमि में लोगों का भला करने के लिए आए हैं। गरल अनल कनिमल सरी व्याधु, गरल अनल आगे कहते हैं वो कि जो साधु के बाद वो जो बात बताते हैं कि अग्नि विष, अग्नि अनल यानी अग्नि, गरल यानी विष, कलिमल कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुणों और अवगुणों से सब परिचित हैं। देखो आपको मैंने 5, 6, 7, 8 चीज़ें बताई। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, सुधा यानि अमृत, सुधाकर यानि चंद्रमा,
सुरसरी यानी गंगा जी, साधु यानी साधु, गरल यानी विष, अनल यानी अग्नि और कलिमल यानी कलिमल सरी यानी कलयुग के पापों की नदी, कर्मनाशा और व्याध। व्याध यानी वो जो हिंसा करता रहता है, मारता रहता है। इनके गुणों और गुणों सभी परिचय, सब जानते हैं इनके अंदर गुण क्या है और गुण क्या है। लेकिन जिसे जो अच्छा लगता है उसे अपना लेता है। अब गंगा जी में क्या बुरा लगेगा किसी को और साधु में क्या बुरा लगेगा किसी को, पर जहाँ व्याध है, जहाँ गरल है, जहाँ अनल है, अग्नि है, वहाँ तो अपने अपने सबके नुकसान हो सकते हैं। जिस तरह सबको ही अपने गुणकर्म स्वभाव से पहचाने जाते हैं, अच्छे गुण, अच्छे शुभ कर्म और अच्छे स्वभाव व्यवहार से इस जगत में यश प्राप्त करते हैं, और अवगुणों, अशुभ कर्मों, बुरे स्वभाव वालों व्यवहार से जगत में अपयश को प्राप्त होते हैं। इस संसार में सबके गुण स्वभाव से सभी परिचित हैं, लेकिन जिसे जो स्वभाव अपने अनुकूल लगता है उसे अपना लेता है। जिसको जो स्वभाव अच्छा लगता है उधर अपना लेता है। चाहे आप चाहे गंगा जी वाला स्वभाव ले लीजिए, चाहे आप सुधाकर वाला स्वभाव ले लीजिए, चाहे आप सुधा अमृत वाला स्वभाव ले लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीचू, ये जो है अवधि भाषा है, आम जनता की भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने। उस जमाने में संवत, आप ये मान के चलिए 1500-1600 संवत, अभी चल रहा है 2078 चालू हुआ है, 2078 संवत, हिंदी संवत सर, विक्रम संवत सर, ये आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले की बात है। जब उन्होंने इसको लिखा था, जब लिखा था तब उन्होंने लोक भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा है, तर्क करने वालों की भाषा है, ग्रंथ लिखने वालों की भाषा है, पर आम जनता की भाषा क्या है? अवधि। तो अवधि में लिखा उन्होंने, भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीचू, सुधा सराई अमरता, गरल सराई नीचू। अब ये दोहा जो है ऊपर वाले दोहे का जवाब है। भला व्यक्ति संसार से भलाई ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता को ग्रहण किए रहता है। आपके स्वभाव क्या है, नीच है कि आप भले हैं? अगर नीच है तो नीचता को ग्रहण करेंगे, भले हैं तो भले भलाई को ग्रहण करेंगे। जैसे अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में, विष मारने में जाना जाता है। एक बूंद भी उसका विष अगर हमारे पीने की चीज़ में डल जाए तो हम मर जाते हैं, और अमृत जो है अगर एक बूंद भी अगर हमारे इसमें आ जाए तो हम अमर हो जाएंगे। अमृत की विशेषता है अमरता प्रदान करना, विष की विशेषता है मारना, मृत्यु प्रदान करना। इस जगत में अमृत और विष के विशेष गुण के कारण ही उनकी सराहना होती है, इसलिए उनके गुण के कारण। अमृत का मतलब ही है उसकी एक छोटी सी बूंद मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को प्राण ला देती है, और उसकी एक छोटी सी विष का मतलब है उसकी छोटी सी बूंद अच्छे खासे स्वस्थ जीवन वाले व्यक्ति को मृत्यु की बूंद में सुला देती है। अमृत और विष दोनों ही अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। ठीक उसी तरह संत व्यक्ति, भला व्यक्ति अमृत के गुणधर्म को धारण करते हुए इस संसार से भलाई को ग्रहण करते हैं, और असंत व्यक्ति विष के गुणधर्म को धारण करते हुए इस संसार से नीचता को ग्रहण करते हैं। तो संत व्यक्ति क्यों ऐसा बन जाता है, और संत व्यक्ति किस चीज़ को ग्रह धारण करता है, और संत व्यक्ति के अंदर ये क्यों आती हैं विशेषताएँ, ये आती हैं उसके अपने नेचर के अनुरूप जो विशेषताएँ हैं उनको धारण करने की वजह से। भले पूछ सब विधि उपजाए, थोड़ा बता दूँ यहाँ पे कि विधि यानी ब्रह्मा, विधि यानी ब्रह्मा, जो भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया गुण दोष को। कहें वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि आपको याद रहेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। इस धरती पर गुण भी है और अवगुण भी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या धारण करते हैं, गुण धारण करते हैं या अवगुण। आप चाहें तो अवगुण ले लीजिए, आप चाहें तो गुण ले लीजिए, ये आपके ऊपर देता है। अब इसमें आगे और तुलनाएँ आती हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजातु सुजाति, सुजाति कुजातु, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छ अलच्छ रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रमनासा, मरुमारो महिदेव गवासा,
सर्ग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। ये जो इतना बड़ा जो दोहा है, एक तो 5 लाइन का ही है ये पूरा, इसमें बहुत सारी तुलनाएं आई हैं। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव और जगदीश ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, तुलना है दोनों की। गंगा कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी जो है वो कलयुग की नदी है, और गंगा जो है सतयुग की नदी है। तो गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ये दो प्रांत हैं अलग अलग, दोनों अलग अलग टाइप के। ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, और ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। अब कई चीज़ें होती हैं जो तत्कालीन समाज में जो भाषा प्रचलित थी और जो व्यवहार प्रचलित था उस हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मालवा और मारवाड़, उस समय जो परिस्थितियाँ रही होंगी उस हिसाब से तुलसीदास जी लिखा है। अब एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पय परिहरि ज्वारि विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत व्यक्ति संसार में हंस के समान, संत हंस गुण गहें, हंस गुण गहें, जैसे हंस गुण को दूध को ले लेता है और पानी को अलग कर देता है। सबसे बड़ी विशेषता हंस की क्या है कि वो पानी मिला हुआ दूध हो तो उसमें से पानी को अलग कर देगा और दूध को दूध दूध पी लेगा। पानी आप कभी करके देखिए, मैंने करके देखा है और मैंने ये पाया है कि हंस वास्तव में हंस होता है। नीर क्षीर विवेक, नीर और क्षीर को, दूध को और पानी को अलग अलग कर देते हैं। हंस के समान दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं संत लोग। परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को गुण दोषों से युक्त बनाया है, जैसे दिन के साथ रात है, दुख के साथ सुख है, अमृत के साथ विष है, अच्छाई के साथ बुराई है। लेकिन संत व्यक्ति संसार में उस हंस के समान होते हैं जो इस संसार के दोष रूपी जल को त्याग देते हैं और गुण रूपी अच्छाई यानी दूध को आराम से सहजता से ग्रहण करते हैं। कितनी बढ़िया छुपाई है, यह आप याद रखिएगा। अगर आपको याद रहे तो बालकांड की चौपाई बताता हूँ आपको। छठे नंबर का दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पय परिहरि वारि विकार। हमेशा याद रहेगा आपको कि ये इस सृष्टि में जड़ और चेतन का समन्वय है। बिना जड़ जितना भी समाया हुआ इसके अंदर चेतन चेतन है, इस वजह से प्राण है, इस वजह से सब गतिविधियाँ हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण और दोष दोनों मिला करके, और विश्व कीन करतार, जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई उसमें जो प्राण आया इसी वजह से आया। और संत जो है हंस गुण गहें, जिस तरह से हंस जो है गुण ले लेता है, दूध ले लेता है, पय ले लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह से आप भी बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको क्यों फालतू में, और क्या होता है, हम अधिकांश लोग हम उस जो छोड़ने लायक चीज़ है उसके ऊपर बहस करते हैं बहुत देर तक, और जो लेने लायक चीज़ है उसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसलिए उसके बारे में बहस मत करिए, आप दोष रूपी जल को छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने इस संसार को गुण दोषमय बनाया है। असविवेक जब देह विधाता, तब तजी दोष गुण ही मन राता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। जब विधाता जब किसी को हंस के समान विवेक देते हैं, ये पहली चौपाई है छठे के बाद। असविवेक जब देह विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, तब उसका मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होता है। जब विधाता किसी को हंस के समान विवेक देता है, आपको किसी से प्रार्थना करनी हो, विधाता से, ब्रह्मा से, भगवान से, माँ काली से, माँ गायत्री से, एक ही चीज़ मांगना, क्या, कि हमको दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त कर दीजिए।
हमें दोषों की तरफ मत ले जाइए, गुण हमें गुण दे, जितने गुण हो सकते हैं वो दीजिए। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु लोग भी कई बार माया के वश में होकर भलाई करने से चूक जाते हैं, इसलिए आप भलाई करने से मत चूकना, आप कोशिश करना कि आपके जीवन में हमेशा भलाई करने के अवसर आते रहें। इस संसार में कोई भी व्यक्ति संत तभी बन पाता है जब परमेश्वर उसे हंस के समान विवेक वैराग्य का ज्ञान देते हैं। हंस की उपमा बार बार आ रही काम में, क्यों? हंस में जो विवेक और वैराग्य का जो गुण है वैसा ही आपके अंदर भी आना चाहिए, तभी उसका मन दोषों को सर्वथा त्याग कर गुणों के आकर्षित होता है। विवेक के द्वारा हंस रूपी संत इस समाज के गुणों व दोषों को अलग कर पाते हैं और वैराग्य के द्वारा केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं। विवेक के द्वारा हंस रूपी संत इस समाज के गुणों व दोषों को अलग कर पाते हैं, जैसे मैंने कहा कि पानी मिला हुआ दूध, और वैराग्य के द्वारा केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं तथा अवगुणों का परित्याग कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता उभरने पर साधु कहे जाने वाले लोग भी माया के जाल में फंस जाते हैं और कभी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दुख दोषों को बिठाकर निर्मल यश देते हैं, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी उत्तम जो होते हैं उसके कर्म संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी कि दुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी अच्छे काम कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि मलिन स्वभाव मिटता नहीं है, कभी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव। सो सुधार हरिजन जी मिले ही, दलित दुख दोष विमल जसु दे ही, खलों करें भल बाई सुसंगु। दुष्ट व्यक्ति भी सुसंग पाने पात कर देते हैं, मिटे ही न मलिन स्वभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो फिर भी स्वभाव नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो उभर आता है, इसलिए स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव जो है स्वभाव, अपना भाव, अपने अंदर की मानसिकता, ये बदलना चाहिए। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं अपनी चूक को सुधारने से चूकते नहीं हैं, इस तरह अपने दुख दोषों को मिटाकर संसार में निर्मल यश प्राप्त करते हैं। दुष्ट व्यक्ति भी सुसंगति पाकर भलाई करने में लग जाते हैं, लेकिन उनका बुरा स्वभाव नहीं मिटता। एक बार संगति मिल गई अच्छी और अच्छे काम में लग गए तो उसमें जरूरी नहीं कि वो आदमी बदल गया, अभी उसको थोड़ा सा समय लगेगा जब तक उसका स्वभाव नहीं मिटता। सच्चे साधु के बुरे स्वभाव को देखकर उसे असाधु नहीं मानना चाहिए और असाधु व्यक्ति के अच्छे स्वभाव को देखकर साधु नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि छल कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं असाधु व्यक्ति। मैं उदाहरण देता हूँ, इस संसार में साधु असाधु व्यक्तियों का इतना प्रभाव है, क्योंकि साधु असाधु के समान अपना वेश बना ले। आज तो वेशों का प्राधान्य है, जहाँ देखिए आपको वेश बदले हुए दिखेंगे लोग, कई बहुत सारे लोग। अभी हमारे कुंभ का मेला चल रहा है, तरह तरह के लोग आए हुए हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, कोई क्या पहना हुआ है, कोई नागा साधु बना हुआ है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, पर इनमें सब साधु नहीं है। साधु अगर इतने सारे होते जो लाखों की संख्या में हैं तो ये होते तो दुनिया बदल गई होती अभी तक। एक एक साधु एक एक गांव को अपना लेता तो सारे गांवों का सुधार हो जाता, पर ये साधु सब साधु नहीं है, संसार उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियऊ तेऊ, उग्र अंत न होई निभाऊ। ये बड़े प्रचलित है लोग चौपाई, काल नेम जिम रावण राहु। इस संसार में जो वेशधारी ठग हैं उन्हें साधु संत का वेश बनाए देखकर जगत पूछता है। बहुत सारी घर परिवार की गृहिणियाँ होती हैं, वो वेश देख करके बहुत ज़्यादा, महाराज आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत आपका हमारा सौभाग्य है, आप आइए अंदर आइए पधारिए, पता चलता अंदर आके वो ठग करके ले गए सब कुछ, उनका एक कपट नहीं निपता। उदाहरण के लिए काल ने ऋषि का वेश बनाया और हनुमान जी के साथ छल किया, रावण ने साधु का वेश बनाया और सीता जी के साथ छल किया, और राहु ने देवता का रूप बनाया और देवताओं के साथ छल किया, कि इन तीनों को इस छल का भयंकर दंड भुगतना पड़ा। काल नेम जीविराहन रावण राहु, काल नेम रावण और राहु, इन तीनों को बदनाम किया जाता है पूरे पूरे हमारे ग्रंथों में, कि इन तीनों ने अपने वेश बदले, तो वेश बदलने के बाद भी छल किया, इस वजह से इनको कोई पूछता नहीं है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपने बाहरी वेशभूषा के अनुसार पहचाना जाता है, अंदर का मन किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता।
इसलिए इस संसार में जो दूसरों को ठगने वाले लोग हैं, साधु संत का वेश बनाकर जगत की सहानुभूति बटोरते हैं, लेकिन उनका बनावटी वेश हमेशा उनका साथ नहीं देता। एक न एक दिन उनका असली स्वभाव पहचान में आता है, प्रकट हो ही जाता है, तब उनको अपने किए हुए छल का दंड भुगतना पड़ता है। इसी के बारे में अगली चौपाई लिखी है भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किए हूँ कुवेश साधु सन मानु जिन्हें जगह जाम वंत हनुमानु। जरा बुरा वेश बना लेने पर भी साधु व्यक्ति का सम्मान होता है। मान लीजिए आपने बुरा वेश पहना हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? आपको मालूम होगा विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनके पास जितने कपड़े थे उन्हीं कपड़ों से वो घूम रहे थे। अमेरिका जो है वो है पेंट शर्ट धारी सूट धारी लोगों का देश, वेस्टर्न जो यूनिफॉर्म होती वो पहनी थी लोगों ने, उन्होंने चोगा पहन रखा था तो उनका असम्मान हुआ, उनको सम्मान नहीं किया गया। अल्टीमेटली भागते 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 लोगों ने उनके पीछे दौड़े, बच्चों ने पत्थर वत्थर फेंके, तो वो भाग करके जा करके स्टेशन के बाहर एक गोडाउन था, गोडाउन के बाहर एक बड़ा सा खोखा रखा था, उसके अंदर जाके बैठ गए, कहा रात इसी में काट लेंगे फिर कल देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो सुबह हुई उन्होंने देखा कि एक सामने से महिला निकल के आई और उस महिला को, वो महिला अपने साथ उनको ले गई कि आप चलिए मेरे साथ आइए, आप ऐसा लगता है कि आप हिंदू स्वामी जी हैं, और ले गई। उसके बाद उनका सम्मान हुआ, वहाँ से फिर वहाँ से चढ़ते चले गए। जो बुरा वेश बनाने में पर भी साधु व्यक्ति का सम्मान ही होता है, जैसे जामवान यहाँ उन्होंने तुलसीदास जी ने जो दी है उपमा दी है, रीच शरीरधारी होने पर भी सम्मान के पात्र हैं। जामवंती थे जिन्होंने हनुमान जी को बोध कराया कि तुम कौन है, कौन ही जानत है जग में कपी रंग संकट मोचन नाम तिहारो। समुद्र तट पर उन्होंने जब ये गाया तब उनको समझ में आया हनुमान जी को वो कौन है, और जब कौन है पता चला तो उसके बाद फिर देखते देखते हनुमान जी का बल जागा और उन्होंने छलांग लगाई, तीन चार को जंप किए और तीन चार जंप में ही वो लंका पहुंच गए। हनुमान जी वानर रूप में भी संसार में पूजित हैं। इस जगत में बुरे संग सदैव हानि और अच्छे संग सदैव लाभ मिलता है। वेश बुरा नहीं होता, हमको कई बार लगता है कि हमारे वेश की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वेश से क्या फर्क पड़ता है? वेश तो हमारे फिल्म स्टार भी बना लेते हैं। वेश में तो आप देख लीजिए कि अगर अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा वेश बना लेने के बावजूद भी पर्सनालिटी जो होती है वो व्यक्ति की पर्सोना, मतलब ये आदमी का जो नेचर है, आदमी का जो शरीर से जो ऑरा निकलता है उससे प्रभावित होता है। अशुभ कर्म और शुभ आचरण, शुभ कर्म और शुभ आचरण से प्रभावित होता है व्यक्ति। यदि बुरा वेश बनाकर भी लोग शुभ कर्म करते हैं तो जगत में उसी रूप में पूजे जाते होते हैं, संत कहे जाते हैं। यदि अच्छा वेश बनाकर भी लोग कुकर्म करते हैं तो वे अपने अच्छे वेश में होने के बावजूद अपयश पाते हैं और अपने कुकर्मों के दंड भुगतते हैं। यदि कोई व्यक्ति वेशभूषा की परवाह किए बिना सच्चे साधुओं का संग करता है तो उसे लाभ होता है। यदि कोई शुभ वेश में रहने वाले दुष्टों का संग करता है तो उसे सब तरफ से हानि होती है। चौपाई है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। कीचे ही मिले ही नीच जल गंगा, और नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से धूल कीचड़ मिल जाती है तो वो कीचड़ बन जाती है। इसी तरह से साधु असाधु सदन सुख सारी, उसी तरह से साधु व्यक्ति के घर में तोता मैना, सदन यानी सदन सुख, तोता मैना ये भी राम राम सुमिरते हैं। और असुर सुमिर ही राम देही गनिहारी, और असाधु व्यक्ति घर में तोता मैना भी गिन गिन के गालियाँ देते हैं, एक नहीं दो नहीं गिन गिन के गालियाँ देते हैं, ये पहली ये दूसरी ये तीसरी चौथी, इस हिसाब से इनको ट्रेन किया रहता है। सत्संग की यही महिमा, जिस तरह से वायु के संपर्क में आकर जमीन में रहने वाली धूल भी आकाश की ऊंचाई चढ़ जाती है, उसी तरह से साधुओं के संग से नीच कर्म करने वाले भी सुयश मान सम्मान पाते हैं। और कुसंग की महिमा ये है कि जिस तरह से जल के संपर्क में आकर जमीन में रहने वाली ये धूल कीचड़ बदल जाती है, उस तरह से कुसंग के कारण नीच कर्म करने वाले लोग भी और ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं और भयंकर अपयश के भागी बनते हैं। उदाहरण दे दिया मैंने आपको, धूम कुसंगति कारिक होई, अगला उदाहरण है, धूम कुसंगति कारिक होई
लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से उसका संगत बदल दें सुंदर स्याही बनकर लिखने के काम आता है। वही धुआं वो तो पुराने जमाने की बात है जब वहाँ उस समय स्याही यही हुआ करती थी, धुएं को बनाकर जमा कर पानी में मिला करके स्याही बनाते थे। वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सत्संग और कुसंग की महिमा समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से कुसंग के कारण धुआं कालिक में तब्दील हो जाता है, अमित छाप छोड़ता है। वहीं धुआं सुसंग के कारण सुंदर स्याही बनकर लेखने की शोभा बढ़ाता है, यानी अत्यंत उपयोगी हो जाता है। इस तरह से यही धुआं जब जल अग्नि व पवन का संग करता है तो बादल बनकर जगत में जल वृष्टि करके जीवन प्रदाता बन जाता है। अगली चौपाई है ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह भेषज यानी औषधि, जल पवन और वस्त्र पट यानी वस्त्र, ये भी कुसंग और सुसंग के पाकर संसार में कुजोग सुजोग पाकर वहीं कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलच्छन लोग। ये भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। पांच चीजें बताई मैंने आपको, ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र। इस तरह संसार में केवल धुआं ही नहीं बल्कि ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र भी कुसंग और सुसंग के प्रभाव से अपना बुरा और अच्छा प्रभाव देते हैं और जगत के लिए हानिकारक या लाभदायक बन जाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधिकीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अब जस दीन। इस तरह महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है। अगर आप देखें कि जब शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे अंधेरा मिटता है उजाला होता है और उसी तरह से कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ता चला जाता है। विधाता ने इनके नाम व गुण का भेद कर दिया है, एक को शुक्ल चंद्रमा को बढ़ाने वाला कर उसे सुयश प्रदान किया और दूसरे को कृष्ण पक्ष करके चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने उसे अपयश दिया। अभी इस समय जो पक्ष चल रहा है उसमें धीरे 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 परसों से जब से रमजान का चंद्रमा डेवलप हुआ और हमारा ये जो नूतन संवत्सर चालू हुआ तब से शुक्ल पक्ष चालू हुआ। साधु भी इस जगत में गुणों के कारण सुयश के पात्र, असाधु अपने दुर्गुणों के कारण अपयश के पात्र। लोक मान्यताओं में जो उदाहरण है उन्हीं उदाहरणों का कुछ समय जी उपयोग करते हैं। अभी अच्छी तरह समझ में आता है, सबको समझ में आता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की तरह से ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं हमने लिखी हुई कविता चाहे रसीली हो या अत्यंत फीकी सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जगत में ऐसे बहुत ही कम उत्तम पुरुष हैं जो दूसरों की रचना सुन के हर्षित होते हैं। जिस संसार में जिस तरह नदियों और तालाबों में जब बारिश के कारण जल बढ़ता है तो वे बढ़ते हैं यानी अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, उसी संसार में समुद्र के समान कोई बिरला ही होता है जो दूसरों का उत्कर्ष देखकर ठीक उसी तरह खुशी से उमड़ पड़ता है जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। मैं जरा ये श्लोक को सुना दूँ आपको, ये आनंद आ जाएगा आपको सुन के क्योंकि तुलना बहुत अच्छी अच्छी की है। वो कह रहे हैं कि जैसे नदियों तालाब में जब बारिश के कारण जल बढ़ता है तो वो बढ़ते हैं यानी अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस संसार में समुद्र के समान कोई बिरला ही होता है तो दूसरों का उत्कर्ष देखकर ठीक उसी तरह खुशी से उमड़ पड़ता है जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। आपने देखा होगा जब फुल मून होता है तो उस समय चढ़ती का जल आता है, बहुत तेज़ी से पानी बढ़ता है। इस संसार में सच्चे साधु बहुत कम ही हैं, बिरले हैं। श्रीमद् भागवत के सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्य माम वेति तत्वतः। इस संसार में हजारों मनुष्यों में से एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। कोई ऐसे विरले व्यक्ति ही संतों की श्रेणी में आते हैं, बहुत कम होते हैं।
हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक निकल के आता है, इसको हम कहते हैं कि ही इज़ द हीरो ऑफ सोसाइटी। ऐसा ही और शी दोनों पुरुष और नारी में से कोई भी एक हीरो के रूप में उभर के आ जाता है, हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक निकल के आता है। सत्संग की महिमा है, संत साधुओं का संग, भले लोगों का संग, यानी सत्संग की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बक मराला, सुनिए आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सज्जन फल पेखिए तत्काला, तुरंत देखिए आप सज्जन का, सज्जन सज्जन होने का फल, इस संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने को मिलता है। आप समझते गंगा में स्नान करने से या संगम में स्नान करने से या जहाँ भी दो नदियाँ मिलती हैं उनका संगम होता है वहाँ स्नान करने से आदमी सज्जन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सज्जन फल देखिए तत्काला, कोई कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ये जो उपमा है ये सत्संग के ऊपर डाली है, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सुनिए आचरज करे जनी कोई। सत्संग का प्रभाव ऐसा है, इस कारण कौवों का कर्कश स्वभाव, कड़वा स्वभाव भी कोयल के मीठे स्वर मधुर स्वभाव में बदल जाता है, कौवे का स्वभाव में बदल जाता है और कोयल की तरह से बोलने लगता है, बगुले के छलपूर्ण व्यवहार अंश के समान वफादार व्यवहार में तब्दील हो जाता है। इससे संबंधित एक प्रसंग है बहुत सुंदर। संत कबीरदास जी ने अपने एक पड़ोसी कसाई को कई बार समझाया तो कसाई का कार्य छोड़ दे, कुछ और काम कर, बेकार में जीव हत्या करके तो और लोगों की आह मोल ले रहा है, क्यों पाप का संचय कर रहा है। कसाई पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फलस्वरूप कबीर साहब अपने भक्तों के साथ ठीक उसी समय राम नाम गाने लगे जब वह कसाई अपना मांस वंस काटता था और राम नाम के सत्संग का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। आखिर एक दिन उसने अपना पुश्तानी का कार्य छोड़ दिया और कबीर साहब का भक्त बन गया। फिर उसने अपना काम नए सिरे से चालू किया, पौधे लगाना चालू किया, नए नए पौधे जा के लोगों के घरों में बांटता था। जलचर थलचर नपचर नाना, जो जड़ चेतना जीव जहाना, मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन आनुपाऊ। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से बुद्धि कीर्ति मति कीर्ति गति भूति भलाई, बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सत्संग में बड़ी शक्ति है, सत्संग से विवेक आता है और सत्संग से आदमी का की मति बदल जाती है, बुद्धि बदल जाती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को बदलना है तो आप उसको सत्संग दीजिए, आप अपना सत्संग दीजिए या सत्संगों की संगति में उसको बिठा दीजिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के प्रभाव से सद्विवेक जागता है, सद्विवेक के जागरण से ही व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, पुण्य अर्जन करता है, पुण्यों के प्रभाव से ही व्यक्ति को सफलता सुयश सुकीर्ति और विभूति सदगति मिलती है इस संसार में, और बिना सत्संग विवेक न हो। सभी सत्संग कांड में विशेष महत्व प्राप्त करते हैं। बिना सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिना सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं हो पाता सत्संग। आसानी से पता चलता है ये जो सत्संग की बात कर रहा है इसके पीछे भी कुछ न कुछ गलत छिपा हुआ है। इसलिए सत्संगति जो है वो आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, उसकी सिद्धि सत्संग की सिद्धि सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो केवल फूल है। ये सत्संग की प्राप्ति ही फल है। व्यक्ति के पुण्यों के उदय से भगवान की प्राप्ति होती है कृपा की, भगवान की कृपा होने पर ही व्यक्ति को सत्संग का लाभ मिलता है, जिसके कारण उसको सद्विवेक का जागरण होता है। सत्संग अपने आप में व्यक्ति के पुण्य फलों की प्राप्ति है और यह फल भी है, तत्काल अपना प्रभाव और परिणाम देने वाला है। इसके अलावा बाकी सब साधन तो मात्र फूल के समान है। बालकांड में स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित की महिमा का बयान करते करते हैं, रामचरित चिंतामणि चारु, रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति तीय सुबह सिंगारु, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। अब देखिए 80-85 साल के तुलसीदास जी कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है रामचंद्र जी का चरित्र। और रामचंद्र सुंदर चरित्र का बखान करने से संतों की बुद्धि सुशोभित होती है,
जहाँ जहाँ वो बोलते हैं रामचंद्र जी के बारे में उनकी बुद्धि सुशोभित होती है, शोभायमान होती है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले, सफल सुकृत फल भूति भोग से जगहित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मासन मराल से, पावक गंग तरंग माल से। ये दोहा 32वां श्लोक दोहा है बालकांड का। श्री रामचंद्र के गुण समूह उन संपूर्ण पुण्यों के फल समान है जो महान भोगों को देने वाले हैं। ये जगत का यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है, पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। इस तरह से साधु संत जगत जो बार बार समान है बोलते हैं तुलसीदास जी, क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों को समझाना चाहते हैं, आम जनता को समझाना चाहते हैं कि आप समझिए इसको, इस तरह समझिए। तो लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में, लोगों के मन मस्तिष्क में, लोगों के जीव पर रामचरितमानस बैठता चला गया। जिस तरह साधु संत जगत का निस्वार्थ भाव से हित करने में लगे रहते हैं, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र उनके गुणों के समूह जगत का हित करते हैं। बालकांड में एक जगह मणि भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से भगवान राम के संबंध में जानने के लिए बड़े आदर भाव के साथ उनसे कहते हैं। भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद हमारे रामचरितमानस का एक अद्भुत प्रकरण है। इन दोनों बीच में संवाद होता है, उसी से रामकथा आगे बढ़ती है। वो कहते हैं, हे प्रभु, भरद्वाज मुनि कहते हैं, हे प्रभु, संत कहें असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होइन विमल विवेक उर गुणसन गुरुसन किए दुराव, अस विचारी प्रकटौ निज मोहू, हरौ नाथ कर जन पर छू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन में ये बतलाते हैं, गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरु के साथ कभी कोई चीज़ छिपानी नहीं चाहिए। गुरु के सामने जो मन में बात हो, हृदय में बात हो, कह दो। परम पूज्य गुरुदेव के पास जो कोई भी आता था, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा तेरा मन में क्या है, तो क्या बोलना चाहता है, अपनी बात कह दे। तो वो लोग अपने अंदर से खुल करके अपनी बात कह देते थे, वो जो नहीं कहते थे गुरुदेव उनको पढ़ लेते थे। ये सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि। अविनाश भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते थे। राम नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। राम जो है ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसको यदि समझ लिया जाए और उसका फिर जप किया जाए तो आनंद देता है वास्तव में। बालकांड में ही बड़ी सुंदरता से इसका वर्णन आया है। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम का ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिवजी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, इसके महिमा को गणेश जी जानते हैं, राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रताप को जाना, उल्टा नाम जपा, मरा 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 कहते कहते राम नाम कहने लगे और वो भी पवित्र हो गए। नाम के प्रति पार्वती जी की हृदय कैसी प्रीति थी कि उनकी शिव जी हृदय हर्षित हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो बालकांड में जो वर्णन आया है उसमें राम नाम की महिमा बताई गई है कि आप कुछ नहीं जानते तो मत बोलिए कुछ, राम 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 राम, इतना ही बोल लीजिए, थोड़ी देर, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा। उसमें बहुत बहुत चीज़ें छिपी पड़ी। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जय पा। राम जी कथा चंद्रमा किरणों के समान है, संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं जो वेद पुराण मुनिजन भी बताते हैं कि
सेवक पर कृपा करके सब ज्ञान का नाश कीजिए, ऐसा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य से। और वह राम कौन है, हे कृपानंद मुझे समझा कर कहिए, ये वही राम है या अवध नरेश या दशरथ जी के बेटे हैं या कोई दूसरा है जिनको शिव जी जपते हैं, आप सत्य के धाम हैं सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को श्री राम जी को सुंदर कथा कहते हैं। राम कथा के चार घाट हैं, चार तरह से राम कथा कही गई है। एक अगर आप सुने तो सुनना चाहें तो पहला जो घाट है उसमें ये कथा कही है शिव और पार्वती ने, भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई है। दूसरा जो घाट है उस घाट पे ये कहते हैं भारद्वाज और प्रश्न पूछते हैं और याज्ञवल्क्य उनको जवाब देते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि उनसे सीनियर हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज का संवाद है। तीसरे हैं जो संवाद कहते हैं, वो बात जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तीसरा जो घाट है वो बनता है इनके माध्यम से, काकभुषुंडी और गरुड़ के माध्यम से, काकभुषुंडी और गरुड़ उत्तरकांड में आया है प्रसंग। और चौथा घाट है श्री राम कथा तुलसीदास जी की और सुनने वाले भक्तजन, राम कथा तुलसीदास जी की और भक्तजन जो सुनने के लिए उत्सुक है। तो चार घाट है, राम कथा सुंदर है, बहुत सुंदर है, चार घाट वाली सुंदर कथा है। राम कथा से सिकरण समाना संत चकोर करें जय पाओ। संत चरित्र के बारे में पता चलता है संत समान गुरुओं के साथ छिपाव करने से, अपने मन की बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता। संत सदैव रामनाथ के असीम राम नाम की असीम महिमा गान करते हैं। इस तरह चकोर पक्षी रात्रि में चंद्रमा का किरणों का पान करते हैं, उस तरह से संत व्यक्ति श्री राम जी कथा रस का पान करते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में जब सती पहुँचती हैं अपने पिताजी के यज्ञ में, देखते हैं उस यज्ञ में भगवान शिव का तो कोई भाग ही नहीं, वहाँ पर उनका अपमान किया जा रहा है। तो क्रोध में भर के अपने वचन कहती हैं, संत शंभु श्री पति अपवादा सुनिए जहाँ तहाँ असी मर्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई श्रवण मूदिन नत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, तीन संत शंभु शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। यानी संतों की भगवान की निंदा न तो करनी चाहिए न उनकी निंदा सुननी चाहिए। भगवान शिव जो समाधि अवस्था में, तब उनको विवाह के लिए मनाने, समाधि की अवस्था जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव की शरण ली और उनसे अपनी विपत्ति कही। तब कामदेव ने हंसकर देवताओं से कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। वे आगे कहते हैं, तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति ये कहती है कि दूसरों के लिए कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, उपकार करना चाहिए। अगर मैं अपना शरीर त्याग दूँ तुमको तुम्हारे हित के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के हित के लिए तो अपने शरीर त्यागने में संकोच नहीं करते हैं संत लोग। भगवान शिव के मुख से श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश, उनके पवित्र कथा सुनने के लिए माता पार्वती बार बार आग्रह करती हैं, विनती करती हैं, इसके लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। हमारे यहाँ उदाहरण है दधीचि का, जिन्होंने अपने शरीर को वज्र के निर्माण के लिए देवताओं को दिया और उनका शरीर से ही, उनकी हड्डियों से ही, तपोपूत हड्डियाँ थीं उसी से ही वज्र बना, उसको दे दिया उन्होंने। माता पार्वती कहती हैं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं उस जमाने में यही था कि स्त्री होने के कारण मैं कथा सुनने के अधिकारी नहीं, तथापि मैं मन वचन कर्म से दासी, मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं मन वचन और कर्म से आपके दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उसने छिपाते, गुण तत्व ने साधु जुड़ा हुआ ही, साधु से कभी गुण तत्व नहीं छुपाना चाहिए। तो संत लोग आरती यानी ज्ञान के लिए अत्यंत व्याकुल लोगों से भी नहीं छुपाते, उसका बखान कर देते हैं, तो क्या करें, आरत अधिकारी जहाँ पा वही, जहाँ आपको अधिकारी मिले वहाँ सुना दीजिए। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने रावण के जन्म का रहस्य बताने में राजा प्रताप भानु की कथा कही है, जिसमें राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जब वन में जाता है तो मार्ग में भटक जाता है। रात्रि में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो अपने तपस्वी बताता है, अपना नाम भिखारी बताता है। तो राजा उससे कहते हैं, कहुन रूप जे विज्ञान ने धाना, तुम सारी के गलत अभिमाना, सदा रही अपना पौ अपना अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, ते ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधम नहीं भी विकारी अगेया, होत बिरंच से वही संदेह।
जो आपके सदृश विज्ञान के निधान सर्वथा युमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, कि कुवेश बिना कर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में कई बार मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना है। इसी कारण संत और वेद पुकार कर कहते हैं परम अकिंचक, यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहणों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। सच्चे साधु संत अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं और परम अकिंचन होते हैं, यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित होते हैं। इसी कारण भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न रूप से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वह हंसेंगे। जैसे मधुकंठ वाली कोयल को कौवे कठोर कहते हैं, बगुले हंस को और मेंढक पपी को देखकर हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट व्यक्ति संत लोगों की निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं संतों की वाणी को। जो जन्मे कली काल कराला, कर्तव्य काय बायस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मृगछाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोहो काम के, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। क्या बात है, बहुत सुंदर। श्री राम के भक्त कहला के लोग ठगते हैं, धन लोग क्रोध और काम के गुलाम हैं, धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी हैं, जो अभी जिस तरह से हमारे यहाँ कुंभ के मेले में आए हुए धर्मध्वजी, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के श्लोक में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति को यह स्वभाव होता है, दूसरों को भांति भांति से ठगते हैं, वो काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होते हैं, इस कारण ठगी करके कपट करके छल करके प्रपंच करके पाखंड करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और समझे बालकांड में धरती पर बढ़ने वाले राक्षसों के अत्याचार के बारे में कहते हैं कि धरती पर जब अत्याचार बढ़ गया तो धरती पर पाप भी बढ़ गया। पराय धन पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं की सेवा का नंदुर उल्टे उनसे अपनी सेवा करवाते थे। भगवान शिव कहते हैं, भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों में अरुचि आना था, जैसे पृथ्वी अत्यंत भयभीत तो व्याकुल हो गई, सोचने लगी पर्वतों नदियों समुद्रों का बोझ भी मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, इतना भारी मुझे पापी लोगों का परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी धरती पर बढ़ती हुई अधर्म को देख रही, लेकिन रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं पा रही। सीता स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा शिव जी का धनुष भंग करने पर परशुराम अत्यंकुंजित हो जाते हैं, सभा में आकर अपना क्रोध दिखाते हैं। तब लक्ष्मण जी कुछ ऐसी बातें करते हैं, संघ का क्रोध बढ़ जाता है। तब विश्वामित्र जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, कौशिक ऋषि के वंश से पैदा हुए लक्ष्मण, कहा क्षमी अपराधो बाल दोष गुण गणे नसा, आप इन बालकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते, यानी जो बाल स्वभाव के लोग हैं वे तो बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, उनके व्यवहार को लेकर साधु लोग उनको दोष नहीं देखते, उनके द्वारा किए गए अपराधों को भी सहज भाव से क्षमा कर देते। तो संत जो होते हैं क्षमाशाली क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर देते हैं हर एक किसी के अपराधों को गुणों को। तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए, लक्ष्मण अगर गुस्से में आगे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात मत परेशान मत होइए। संक्षेप रूप में संत असंत स्वभाव पर तुलनात्मक दृष्टि मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। संत व्यक्तियों का बिछोड़ना मरण के समान दुखदायी, असंतों का मिलना दारुण दुख देने वाला। इससे रिपीटेशन हो जाएगा आपका, आप में से जो भी नोट्स ले रहे हों सुन रहे हों उनको ये याद हो जाएगा। संत व्यक्तियों का दर्शन कमल के दर्शन स्पर्श इसकी खुशबू के समान सुख देता है, मन को पवित्र भाव से भर देता है। असंत व्यक्तियों का दर्शन स्पर्श जोग के समान शरीर में चिपकने और रक्त चूसने के समान पीड़ा देता है। संत वस्तुत व्यक्ति दोनों संसार में उत्पन्न होते हैं, लेकिन संत व्यक्ति अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाले होते हैं और असंत व्यक्ति मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। संत व्यक्ति अपने भले और शुभ कर्मों के अनुसार संसार में सुयश प्राप्त करते हैं, और असंत व्यक्ति पाप पूर्ण अशुभ कर्मों के कारण इस संसार में अपयश व दंड पाते हैं। संत व्यक्ति गुण दोष में इस संसार से अपने स्वभाववश केवल गुणों को ग्रहण करते हैं और भले कार्यों को करने में रुचि रखते हैं, और संत व्यक्ति संसार से अगुण ग्रहण करते हैं, नीच कर्मों को करने में वे अपनी रुचि रखते हैं। संत व्यक्ति यदि काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भलाई करने से चूकते हैं तो अपनी भूल को सुधार लेते हैं, लेकिन यदि असंत व्यक्ति उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं तो भी उनका मलिन स्वभाव मिटता नहीं है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी कर लेते हैं अशुभ कर्मों के माध्यम से। संत व्यक्ति यदि कुवेश धारण करते हैं स्वभाव व शुभ कर्मों में लीन रहते हैं तो भी सम्मान का पात्र होते हैं,
लेकिन यदि असंत व्यक्ति साधु समान, अब देखो वेश की महिमा है कि वेश की वजह से किसी का सम्मान मत करिए। मान लीजिए हमने पैंट शर्ट पहना है तो क्या फर्क पड़ता है, मान लीजिए हमने धोती कुर्ता पहना है तो क्या फर्क पड़ता है। भारतीय संस्कृति के सम्मान के खातिर हम धोती कुर्ता पहनते हैं और अपनी वेशभूषा के कारण, यहाँ की यूनिफॉर्म के होने के कारण। संत व्यक्ति यदि कुवेश धारण करते हुए अपने स्वभाव और शुभ कर्मों में लीन रहते हैं तो भी सम्मान का पात्र होते हैं। लेकिन असंत व्यक्ति साधु समान अच्छा वेश बनाते हैं, यदि कोई असंत व्यक्ति आता है और अच्छा वेश बना लेता है वो सम्मान तो अर्जित करेगा, लेकिन जिस दिन उनका भेद खुलेगा उन्हें उसका दंड मिलता है। संतों के संग से नीच व्यक्ति भी अपने जीवन में उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं, संसार में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करते हैं। वहीं संतों के संग से नीच व्यक्ति अपमान अपयश पतन की ओर जाते हैं। सुसंग से जड़ चेतन सभी भले व शुभ हो जाते हैं, वहीं कुसंग के कारण जड़ चेतन सभी हानिकारक बन जाते हैं। संत व्यक्ति अपनी कमियां निकालने, अपनी बुराई करने में संकोच नहीं करते, लेकिन असंत व्यक्ति अपनी कमियां निकालने और अपनी बुराई करने में या कहने वाले की माध्यम से बुराई अगर आती है तो बड़ा बुरा माने जाते हैं। अपनी कमियां बुराई दूसरों को नहीं बताती और अपनी कमियां वो बुराई सुनने में बड़ा संकोच करते हैं। संत व्यक्ति का स्वभाव, संत व्यक्ति सरल स्वभाव के सकारात्मक, अब थोड़ा सही समरी है पूरी आज के लेक्चर की। संत व्यक्ति सरल स्वभाव के सकारात्मक चिंतन वाले होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एप्टीट्यूड, बिल्कुल PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। संतों की बुद्धि का सुंदर श्रृंगार श्री रामचरित की महिमा का बखान करने वाले में है। जितने सुंदर ढंग से श्री राम संतों के द्वारा श्री रामचरित की महिमा गाई जाती है वह उतनी ही महिमान्वित होती है। तीसरा, संत व्यक्ति बिना किसी छल के इस संसार का वास्तव में हित करने में लगे रहते हैं, बिना किसी छल के, उनको उनके लिए कोई वो नहीं है ये कि इस भाव से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, बिना किसी छल के। संत लोगों का चौथा, संत लोगों का कहना है गुरु समान संतों के साथ मन की बातें छिपाने से मन में निर्मल ज्ञान हमेशा नहीं रह जाता। संत वे पांचवा, संत व्यक्ति सदैव शिववाणी बोलते हैं, भगवान की कथाओं में विशेष रुचि लेते हैं। देखो संत और असंत को पहचानना है तो संत व्यक्ति शुभवाणी बोलेगा और हमेशा भगवान की कथाओं में रुचि लेगा, भक्ति में विशेष रुचि। छठा, संतों की और भगवान की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अतः इसका दंड भी भुगतना पड़ता है। अगर किसी ने संत की निंदा की है, भगवान की निंदा की है, तो उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ेगा। सातवां, संत व्यक्ति दूसरों की भलाई करने को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और दूसरों के हित के लिए वे अपना शरीर त्याग करने में भी संकोच नहीं करते, जैसे मैंने दधीच का उदाहरण दिया था। संत व्यक्ति ज्ञान की अभिलाषा लिए हुए व्यक्तियों से गुरु तत्वों को नहीं छिपाते, उनका बखान कर देते हैं। आठवां, नवा, सच्चे संत व्यक्ति अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, वे परम अकिंचन, कुछ नहीं चाहने वाले, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या मिल रहा है हमको, सर्वथा अहंकार रहित, ममता रहित, मान रहित होते हैं, इसी कारण भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और दसवां, संत व्यक्ति बालक के समान अबोध होते हैं, बालक के समान अबोध, लोगों के अवगुणों को नहीं देखते। बच्चे से पूछो कि इनके क्या बुराई है, इनके अंदर क्या बुरी बातें हैं, तो नहीं बताएगा, वो कहेगा सर बहुत अच्छे हैं, तो उनके अपराधों को सहज भाव से क्षमा कर देते हैं। असंत व्यक्ति का स्वभाव, दुष्ट व्यक्ति क्रूर कुटिल और सकारात्मक विचार वाले होते हैं, वे छल करने में, पखंड रचने में, प्रपंच करने में, दम्भ करने में और दिखाने में, अभिमान दिखाने में रुचि रखते हैं। अहंकारी बहुत होते हैं असंत व्यक्ति, और दुष्ट व्यक्तियों के दूसरों के दोष निकालने में रुचि रखते हैं। देखिए ये आप में गलत है, अपना नहीं देखते, उन्हें पराए दोष सबसे पहले दिखते हैं और वे प्यारे दिखते हैं, अवश्य आभूषण के समान दूसरे के दोषों को धारण किए रहते हैं। दुष्ट व्यक्ति मलिन मन वाले होते हैं, संत व्यक्तियों की निर्मल वाणी का मजाक ही उड़ाते हैं। दुष्ट व्यक्तियों की बुद्धि प्राय दूसरों को से कुतर्क करने में लगी रहती है। दुष्ट व्यक्तियों का व्यवहार अहंकारपूर्ण दम्भयुक्त होता है। दुष्ट व्यक्तियों में विषयों की कामना राग द्वेष अत्यधिक होता है। और सातवां है, दुष्ट व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भांति भांति से ठगते हैं, काम क्रोध लोभ के वशीभूत होते हैं। आठवां है, दुष्ट व्यक्ति स्वभावश दूसरे ठगी करके, कपट करके, छल करके, प्रपंच करके, पाखंड करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी इन्हीं के सहारे करते हैं। नवा है, दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों का अनिष्ट करते हैं और पराए धन संपत्ति पर अपनी नजर रखते हैं, उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं।
दसवां है, अंतिम है। दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान नहीं करते, न ही उनकी आज्ञा का पालन करते, बल्कि उनसे अपनी सेवा कराते। इस तरह बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत असंत व्यक्ति के गुणधर्म स्वभाव को तुलनात्मक दृष्टि से काव्यात्मक विवेचन किया। संत केवल वही नहीं होते जो अपने शांत सरल स्वभाव कारण जाने जाते हैं, संत वही होते हैं जो सच्चे होते हैं, अन्याय को सहन करके सिर झुकाकर सहन ही नहीं करते बल्कि उसके खिलाफ बिना किसी नुकसान किए आवाज़ उठाते हैं, अपने क्रांतिकारी वचनों से लोगों को जागृत करते हैं, उन्हें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही संत समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं और समाज में समय समय पर पनपने वाली कुरीतियों अंधविश्वासों से समाज को मुक्ति दिलाते हैं। समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले लोग भी संत कहलाते हैं। आधुनिक समय में यदि संत कबीर का उदाहरण लिया जाए तो उनका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जब समाज में विषमताएं, निराशा, विश्वासघात, नृशंसता आदि का बोलबाला था। उस समय समाज में कुत्सित विचार धर्माडंबर वाले बहुत लोग थे। धर्म के ठेकेदार मठाधीश बनकर अनाचार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सामाजिक विषमताओं से तंग आकर निम्न जाति के लोग जाति परिवर्तन पर उतार हो गए थे। लोग अपनी जाति बदलने लगे थे कि क्या फ़ायदा हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। तब संत कबीर से समाज की दशा देखी न गई। अंदाज से करीब 1300-1400 के करीब इस विकट स्थिति के विरुद्ध उनके मानस जगत में इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि उनकी वाणी दोहे के रूप में फूट पड़ी। कबीर ने जो अपने अनुयायी बनाए या बनते चले गए, उन लोगों ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज भी कई जगह कबीरपंथी लोग कबीर की साखी सुनाते हुए उनके माध्यम से उदाहरण देते हुए देखे जाते हैं। बाह्य आडंबर, असत्य, अनाचार, व्यभिचार, वर्ण वर्ग भेद के प्रति उद्भूत उनकी वाणी में वास्तविक क्रांति की भावना थी। संत कबीर को सत्यवादिता और रूढ़ियों के प्रति उनके अनादर के कारण समाज में अनेक दुश्मनों ने का सामना करना पड़ा जो कबीर को दंड दिलाने की योजना उभारने लगे। इस बार कुछ दुष्ट लोगों ने बुरे चलन की महिमा से उनके चरित्र पर दोष लगाया। जब बात सुल्तान सिकंदर तक पहुंची तो कबीर उनके सामने बंदी के रूप में पेश किए गए। उनकी सफाई पर ध्यान दिए बिना सुल्तान ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। सांकल से बांधा गया, एक नाव में बैठाकर नाव को पत्थरों से भर दिया गया ताकि नाव डूबे तो उसके साथ साथ कबीर भी डूब जाएं, जल समाधि ले लें। नाव तो डूब गई लेकिन कबीर नदी में तैरते ऊपर आ गए। कबीर एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध योगी थे। उन्हें पुनः पकड़ा गया और जिंदा जला देने का प्रयत्न किया गया। इस कार्य में लोगों को असफलता मिली। सुल्तान के पास जाकर समाचार भेजा गया, कबीर को जादूगर है, मायावी व्यक्ति है, इसे पिशाच सिद्धि प्राप्त है। बादशाह की ओर से उन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का आदेश दिया गया। एक पागल हाथी को उनके सामने लाया गया। जब तक लोग इधर उधर भाग खड़े हुए, उसके पहले हाथी और कबीर के बीच में एक सिंह न जाने कहाँ से खड़ा हो गया। कबीर को मार डालने की सारी योजनाएं बेकार साबित हुई। सच्चे संतों की रक्षा स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं, किसी न किसी तरीके से करते हैं। संत कबीर अपने सिद्धांत के पक्के थे। संत कबीर के रूप में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पहला जन्म हुआ था, उसके बाद समर्थ गुरु रामदास के रूप में और उसके बाद फिर श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में। सच्चाई किसी खास धर्म से बंधी हुई नहीं। जो कोई भी अपने अंतरात्मा में घुसकर निष्पक्ष भाव से उसकी खोज करेगा वही उसे प्राप्त कर सकेगा। हमेशा कबीर कहते थे टंके की चोट पर कि दुई जगदीश कहाँ से आया, दूसरा जगदीश कहाँ से आ गया। जगदीश तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, सभी के लिए भगवान एक ही है। जहाँ उन्होंने हिंदुओं के माला और तिलक धारण करने मात्र से सदगति मिलने की आलोचना की, वहीं मुसलमानों से कहा कि खुदा बहरा हो गया है। जो इतनी ऊंचाई पर चढ़कर मीनार पर चढ़ के तुम नमाज पढ़ते हो, इतनी जोर से उसे पुकारते हो, इसके साथ ही वे हलाल से झटका मारे, आग दुहन घर लागी, कहकर वो दोनों मजहबों वालों को फटकारते कि मूढ़ लोगों, धर्म के नाम पर गऊ और बकरों की हत्या करके तुम चट कर जाते हो और इसी पर अपने आप को ऊंचा बतलाते हो। धर्म का पहला लक्षण किसी पीड़ित दुखी प्राणी की रक्षा करना हो सकता है। गौ हत्या और बकरे के मारे जाने, इन दोनों का उन्होंने विरोध किया। इसके लिए बिना हर प्रकार का बाह्य आडंबर केवल ढोंग है। संत कबीर की खरी खरी बातों के कारण संकीर्ण मनोती लोग बहुत सारे लोग उनके विरोधी हो गए। कभी पढ़े लिखे नहीं थे, मसी काबर कागज छियो छुओ नहीं, कमल कलम गही नहीं हाथ, मैंने कागज को छुआ ही नहीं और न मैंने कलम पकड़ी।
अपनी मसीह यानी शाही शाही को भी मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन हमने सहज ज्ञान उसी के अनुसार सहज के मार्ग पर चलकर अमर पदवी प्राप्त की। जो जो साखियाँ उन्होंने बोली हैं वो आज भी उनके द्वारा बोली गई, उनके फॉलोअर्स के द्वारा सुनी गई, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सुनाई, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सुनाई, श्रुति के आधार पर आज सबके बीच में प्रचलित है। मेरे पास एक चैनल है यूट्यूब में जहाँ केवल कबीर की वाणी आती है, बड़ा सुंदर आता है। वो आज के लोग हैं, मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, और बड़े प्रेम से कबीर की वाणी बोलते हैं। कबीर न तो हिंदू थे न ही मुसलमान, हिंदी में उनके भजन बहुत दूर दूर के गाँव में बहुत प्रचलित थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे, दोनों के बीच के थे, और दोनों मजहब सब जाति के लोग उनके अनुयायी थे। कबीरदास जी बड़े अनूठे ढंग से व्यवहारिक आचरण से लोगों को सीख देते थे। एक बार प्रातः काल के समय भक्त लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, वहाँ कुछ ब्राह्मण भी गंगा स्नान करने आए, पानी काफ़ी गहरा था, तक घुसकर स्नान करने किसी का साहस नहीं हुआ था, उनके पास कोई पात्र भी नहीं था जिससे स्नान कर सकें। उस गंगा तट के किनारे पर संत कबीर स्नान कर रहे थे, उनसे देखा, उन्होंने देखा तो उनसे रहा न गया। संत कबीरदास जी ने अपना लोटा मांझ धोकर एक व्यक्ति को दिया, जाओ इसे ब्राह्मण को दिया हो। कबीर का लोटा देखकर ब्राह्मण चिल्ला उठा, अरे जुलाहे के लोटे को दूर रखो। कबीर बोले, इस लोटे को कई बार मांझा, गंगा जल से धोया, फिर भी पवित्र न हुआ, तो मानव शरीर जो दुर्भावनाओं से भरा है गंगा जी में स्नान करके कैसे पवित्र होगा? क्या फायदा तुम्हारे स्नान करने से? मत करो। आज की बात यही समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।